की जनता मन बुना चुकी है कि जिस तरह गांधी जी ने परिवर्तन किया था, ये दरौंदा की जनता इस समय परिवर्तन के लिए तैयार है। राजद प्रत्याशी उमेश सिंह नॉमिनेशन के बाद लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और बुधवार को उमेश सिंह ने लहेजी बाजार विशम्बरापुर सहित कई गांव में जनसंपर्क किया और लोगों से परिवर्तन की अपील की। स्थानीय लोगों ने भी राजद प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का अपार जनसमर्थन उन्हें मिल रहा है और जिस तरीके से महात्मा गांधी ने देशवासियों को आज़ादी दिलाई थी, ठीक वैसे ही दरौंदा की जनता को वो आज़ादी दिलाएंगे। दरौंदा की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आज 2 अक्टूबर जब गांधी जी चले थे, पद यात्रा किए थे 2 अक्टूबर पर परिवर्तन का, वही दरौंदा की जनता ने पूरा परिवर्तन का मन बना चुका है, परिवर्तन होकर रहेगा। जनता का भरपूर समर्थन है। आज गांधी जयंती है, दरौंदा की जनता मन बुना चुकी है कि जिस तरह गांधी जी ने परिवर्तन किया था, ये दरौंदा की जनता इस समय परिवर्तन के लिए तैयार है, पूरी तरह तैयार है कि जन की परिवर्तन हो दरौंदा में। अगर मुझे संविधान सभा में जाने का मौका मिला तो नियोजन शिक्षकों का पूरे जोर से समर्थन करके मुद्दा को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और उनका जो मान सम्मान और हक है दिलाने का काम करूंगा। डबल इंजन की सरकार है, पटना ही बिहार की राजधानी है। जब वहाँ की दशा ये है कि घर में पीने के लिए पानी नहीं है, खाने का तो व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, आम जन इतना परेशान है कि मैंने इतना बड़ा त्रासदी कभी नहीं हुआ है बिहार में जितना पटना में हुआ है। पटना का ये हालत तो पूरा बिहार का क्या हाल होगा आप लोगों को पता है।